पैसे कमाना कौन नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो एक न एक दिन करोड़पति बने। लोग इसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन अगर आप यही काम कुछ आसान टोटकों के साथ करें तो ज्यादा लाभ होगा। कौन से हैं वे टोटके, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आत्मज्ञान में। मैं पंडित अनुज तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा नई नई जानकारी, नया नया ज्ञान आपको बराबर मिलता रहे। सरसों के तेल में पहला उपाय है, नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर, सरसों के तेल में सिके गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए बनाएं। 7 मदार के फूल, सिंदूर आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक पत्तल पर रख कर शनिवार की रात में किसी चौराहे पर रख कर कहें, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा ना करना। सामान रखकर पीछे मुड़कर ना देखें और घर वापस चले आएं। दूसरा है, आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंगकर उसके मुख पर नाड़ा यानी मौली बांधकर तथा उसमें जटायुक्त नारियल रखकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तीसरा उपाय है, किसी भी गणेश चतुर्थी को गणेश जी की ऐसी तस्वीर घर या दुकान पर लगाएं, जिनमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। उनकी आराधना करें, उनके आगे लौंग तथा सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो इस लौंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाएं। हर दिन 1 लौंग और 1 सुपारी अलग से भी साथ में रखें। काम पर जाने से पहले लौंग चूस लें तथा सुपारी को चाव वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दें और जाते हुए कहें, जय गणेश काटो कलेश। किसी गुरु पुष्प योग और सुंड चंद्रमा के दिन सुबह सुबह हरे रंग के कपड़े की छीटी थैली तैयार कर लें। श्री गणेश के चित्र अथवा मूर्ति के आगे संकट मोचन गणेश स्त्रोत के 11 पाठ करें। तत्पश्चात इस थैली में 7 मूंग, 11 साबुत धनिया, 1 चंद्रमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का रुपया या 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रख कर दाहिनी सूंड के गणेश जी को शुद्ध घी के मोदक का भोग लगाएं। फिर ये थैली तिजोरी में रख दें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 1 साल बाद नई थैली बनाकर बदलते रहें। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही छानबीन करके हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 के उपाय हैं। अगर आप करेंगे तो भविष्य में आपको 100% लाभ जरूर होगा। तो आशा करता हूँ कि इन उपायों से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप करेंगे तो आपको भविष्य में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। भगवान विष्णु व श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा आपको नई नई जानकारी, नया नया ज्ञान बराबर मिलता रहे। इसी के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।